ये पहला चुनाव ऐसा है कि सारे लोग मिलकर के एक ही बात कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए मोदी नहीं आना चाहिए। कुछ भी करो, इकट्ठे हो जाओ। भाइयों बहनों, बलिया के बाद सोनभद्र का हाल जानने पहुंचे तो यहां स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर दिया गया है, लेकिन सुविधा जस की तस है। दुद्धी ब्लॉक क्षेत्र के अमवार गांव में तब्दील हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सुविधाएं नदारद थी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमवार में डॉक्टर और फार्मेसिस्ट भी नजर आए, कुछ दवाइयां भी दी जा रही थी, मलेरिया डेंगू जैसे रोग के लिए कुछ टेस्टिंग किट भी दिखाए गए, लेकिन लैब टेक्नीशियन नहीं है। कर्मचारियों ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उपकरण अस्पताल में आ गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से दुरुस्त नहीं हो पाया है। लैब टेक्नीशियन तो नहीं है, जो भी होता है टेस्टिंग कर देते हैं। जो भी उपकरण होता है टेस्टिंग का, वो सब तो अभी आया नहीं है। टेस्टिंग करने के लिए जो भी सामान होते हैं वो सब अभी अवेलेबल है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, टेस्टिंग होता है, जिससे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सब टेस्ट होता है। अभी एक्सरे मशीन सर? नहीं, एक्सरे मशीन। अमवार के बाद हमारी टीम बघाड़ू गांव पहुंची तो पता चला कि यहां भी एएनएम सेंटर को हेल्थ और वेलनेस सेंटर बना दिया गया है, लेकिन यहां सिर्फ सेंटर में एएनएम की ड्यूटी ही लगाई गई है, वो भी टीकाकरण के लिए पूरे दिन गांव में रहती है। सुविधा नाम की कोई भी चीज नहीं है सेंटर पे। न एक्सरे मशीन है, न कोई चेकअप होती है, और न कोई यहाँ डॉक्टर। यहाँ पे सिर्फ एक एनम दे दिया गया है, वो भी टीका कहीं कर होता है तो चली जाती हैं, बाकी बंद रहता है यहाँ पे। तो अक्सर बंद ही रहता होगा, अभी भी तो बंद ही है? हाँ, अक्सर तो बंद ही रहता है, कभी कभार वही टीका लगना हो तो लगता है। इतना डिलीवरी कक्ष में कभी होता है, डिलीवरी कक्ष यहाँ कराया जाता है। तो डिलीवरी यहाँ पर होता है? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं बदला? नहीं, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। सरकारें योजनाएं लाती हैं और जमीन पर उतरने का दावा भी करती हैं, लेकिन बलिया और सोनभद्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जायजा लेने के बाद तो यही लग रहा है कि फिलहाल आम लोगों के स्वास्थ्य की ये योजना पूरी तरह से जमीन पर उतरती नजर नहीं कर सकती थी। लेकिन भाइयों बहनों, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको भाई से भाई को लड़ाना, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाना, यही इनका कारोबार रहा है। 10 साल हो गए, आपका भला हुआ है, ऐसे नहीं उनको सिनाई जैसे बोलो, आपका भला हुआ है, आपके जीवन में बदलाव आया है, आपको सुरक्षा महसूस हो रही है, आपकी बहन बेटी सलामत है, गरीब के घर में चूल्हा जलता है, नौजवान को रोजगार मिलता है, किसान को गन्ने के पैसे मिलते हैं, किसान की जिंदगी में कोई बदल आया है। भाइयों बहनों, 10 साल बीत गए, कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार?